किसने ते बस ले हरियो फोन दिखा है घर का कोई काम ना धाम ना कोई काम की ते चीज तेरे दिखती है कौन है न्यू बता 7 साल हो गए तेरे परथे ने त्रई तई आंगली नी गोदी नी क्यों का ढूंढ बसेगा मारा और तेरी आख्या मना है मरी सी भी शर्म 50 डॉक्टर के ते दवाई दवा ली चाहे तू मारा पीछा छोड़ के अपने घर आ जा और ना तो भाई अपना कितन किते तो देख इलाज ही सा करवा अपने घर क्या तक कह के जो हमारा ढूंढ बस गया जो हमारा घर है ना बसेगा वो जड़े हम तेरा करेंगे के मायू मेरे हाथ में थोड़ी है ये तेरे हाथ में कौन है तकम मैं दूसरा तो प्रथा कर लूंगी तेरे हाथ में हमारा पीछा छोड़ना तो है पीछा क्यों ना छोड़ती तू हमारा ब्याह हुआ है मेरा उनकी गैला ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तने ढूंढ दिखा मारा प्रॉपर्टी दिखा है छोड़ के तो चली जाती तने दुनिया में और ना मिलते हैं तने न्यू बेरा मेरा एक छोरा जे मारा ढूंढ ना बसेगा तब मैं तेरे के आगे जोत बत्ती करूंगी क्या तेरा खूं मैं तने मेरे पापा ने पहले इतना पैसा लगा दिया इब कहां तक ब्याहोंगे किसके बिठाओगे मने पीसा लगा दिया किते और कौन है छोरे हैं माला गाल का भेज देगा ब्योतना है ते पर कम से कम मारा पीछा छोड़ दे यो ढूंढ बस जाएगा बेटी मारा मैं आंख जोड़ का कहूं तेरे ते बस लेने दे हमने मेरी ठंडी आत्मा क्यों करो होएगी जब एक छोरा उसका को बालक ना चीड़क ना 7 साल हो गए बात देखती ने कितने दिन और देखूं बर्दाश्त तो बार हो रही है मेरे बात है ईब तो आर पार की देख तेरा करनी पड़ेगी यो आखिरी टेस्ट कराया है ईब आन दो रिपोर्ट ने जा इस टेस्ट में भी कुछ हिस्सा नहीं आया ना ठीक है मैं नहीं रखूंगी साफ सीधी बात ही आई है चार घाल लेंगे हम तेरा लोग क्यों ब्याह कर रहे हैं न्यूए तक कर रहे हैं मारी बस बिल चलेगी मारा घर बस जाएगा न्यू कौन करते लिया का नबराना कूड़ा अपने घर में गेरेंगे ना घर बसना ना कोई काम की ना धाम की मारे कती समझता बार हो रहा सारा सब कुछ मन नहीं फूटी आंख सो आती क्यों इसे बावले वो जड़े काम करेंगे के 7 साल में तो मैं अपने छोरे के 7 ब्याह कर दूं है जब पहले साल तुआड़े तो मारा पीछा छोड़ कर चली जाती थे और मारा तो भगवान की दी इतनी प्रॉपर्टी है जिस दिन तुआड़े तो जाएगी ना अगले दिन बहू ले बस जाकर मारा घर और बेटी सोच कर देख जो तेरा बालक ना होते तो तेरा फायदा के हाल है खुद तो नहीं तो शर्म आओगी और लोग ये समाज बोल लगा है तू के मुँह लेकर उन तजुबाब देगी खुद तन ने भी तो सोचने की बात है ना ये छोड़ कर जाना है ठीक है बेटा मैं राजी राजी कहूँ हूँ कुछ ना दे रहा टेस्ट उस्ट में कितना इलाज करवा लिया इस टेस्ट में के गोबर आओगा भलाई इस समय छोड़ कर चली जा तेरा के है तन्ना 2 रोटी खानी सारी उम्र को और ले जाएगा माड़ा गाल के उड़ा जा खाइए पर कम तो कम मारा पीछा छोड़ दे बस जाएगा मारा ढूंढ यो मुक्का दे दो मिटते जब ईव की बार भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया ना तो मैं आप पर चली जाऊंगी हाँ बस ठीक है मैं खुद है ना रहने दू तने तू क्या चली जाएगी हे राम जी इसी माड़ी किस्मत क्यों लिखी मेरी पता ना क्या होगा रिपोर्ट में मेरे पापा के पास तो इतने पैसे नहीं है जो मैं कितने जाऊं जब ईव के कुछ रिपोर्ट में ना आया ना तो मैं मर जाऊंगी भाभी क्यों रो रही है और माँ की तो आदत है एक कान से सुने कर दूसरे से निकाल देकर और इतनी सुन सुन कर तो इंसान डीट हो जावे तू क्यों अपने दिल पे लेकर बैठी रहवे बातों की माँ को विशाखा गलती माँ की नहीं है गलती मेरी है जो मैं आज तक माँ ने एक बालक नहीं दे पाई ना भाभी ऐसा मत बोल ले अपनी किस्मत ना मत कोस है और ये तो भगवान की देन है
पता ना आज ना सही कल दे दे, अपनी किस्मत ना ना गुस्सा कर। लेकिन भगवान मेरी गल है कि उतने लेट कर रहा है। कोई बात ना, सब ठीक हो जाएगा टाइम के हिसाब से। आप रो मत, ऐसे रोने से अगर घर की लक्ष्मियाँ ही रोएगी तो घर की तो बरकत जाएगी ना। माँ जी ने ईद मैंने लास्ट वार्निंग दी है कि ईद के भी कुछ ना आया ना रिपोर्ट में तो मैंने घर तक काट देगी। ऐसे कैसे निकाल देंगी भाभी, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ी हूँ। ऐसे कैसे निकाल देंगी घर से बाहर, भाभी मैं आपके साथ हूँ, चाहे भैया और माँ हो ना हो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे मैं जा रही हूँ, रो मत ना, देख माँ भी बोलने लग रही था मैं, मेरे को भी देख लेना आपकी क्या चिक चिक बाजी करेगी, ऐसी गर्म दिमाग है उनका। लेकिन आप ही बताओ अक्की मेरे हाथ में थोड़ी है। कोई बात ना भाभी, इबटा सुए बाण तक के होगा, मां तने कहती सही कह है, तू की ये काम की नहीं है घर में, रोए जा है, शर्मावे तने। तो इसमें भी मेरी गलती है कि मैं एक बाड़क नहीं दे पा रही तो। अरे ना सारी गलती तेरी है, 7 साल हो गए मारे बहन है, 7 साल, या पड़ोसी भी के कहूंगे, इनका तो एक बाड़क ना होता, के कहूंगी उनते, उनका मुंह तो बंद कराना ही पड़ेगा ना। बात सुन, तू अपने घर आ चली जाइए, मैं कौन रखता तने अड़े। आपने बेरा है, मेरे बाप का इतना भी उतना है कि मैंने दूसरी जगह बिठावा है, फिर भी आप ये बोल रहे हो। मन इन चीजा का मतलब ना है, जब तू मारा बालक नहीं दे सकती हम तने क्यों रखेंगे बता। तो यो आखिरी टेस्ट कराया, इसने देख तो लो क्या होगा रिपोर्ट में। अरे मैंने बेरा जो इसमें आना है, आज तक पहला सारे टेस्ट करवा लिए, क्या आया उनमें, जो उनमें आया वो इसमें आओगा, यो कुछ अलग होया है। अंकित मैंने आपसे ये उम्मीद ना थी कि आप इस तरह बोलोगे मेरे तय। मेरी माँ है ना कति सही है, और मैं अपनी माँ की गेला खड़ा हूँ, ईब तो पहला था मेरी माँ के बिना मेरे क्या ब्याह और करा देती, तू है इस घर मारी है। बात सुन चुपचाप मेरे तो तलाक दे दे, मैं दूसरा ब्याह कर लूँगा, मेरी माँ तो खुश रहूगी कम तक कम, मैं भी खुश रहूँगा, मनाऊँ भी तू फुटी आँख ना सुवाती। अरे वो तो बढ़िया बात है ना, तेरा बालक ना होते इस बहाने मैंने मौका मिल जाएगा ना घर तली काटन का। आपने बेरा, मैंने आप तक बहुत प्यार किया है लेकिन आप उस प्यार के कति काबिल नहीं हो। आपने बेरा है कि मेरे हाथ में नहीं है ये सब कुछ, फिर भी आप मेरे तक कोसते जा रहे हो, उल्टा सीधा बोले जा रहे हो, मम्मी भी बोल रही है और आप भी बोल रहे हो, कम से कम आपने तो मेरी गल्ला खड़ा होना था ना। के खड़ा हूं तेरी गल्ला बताइए, तू गलत है सारे के, और मेरी माँ ने के गलत बतावे है, मेरी माँ की सारी बात कती सही है। और तेरे जाते देख लिए, मेरी माँ 10 दिन भीतर मेरा ब्याह करा देगी, मेरी माँ भी राजी मैं भी राजी, जब तेरे में कमी है इससे हमारे इतना करता बाहर काटा है। कमी मैंने अपने आप से तो नहीं बनाई ना। मन ना बेरा इस बात का, तेरे में कमी तन्ना बनाई या पहला तो थी, मन इन चीजा का कोई मतलब नहीं, सीधी सी बात यह है तू अपने आप चुपचाप करता जा ना, तो हम धक्के मार के काटेंगे, तने अपनी इज्जत प्यारी हो तो चुपचाप अपने आप चली जा, कि बेरा भी ना पटेगा ना, तो तने फिर हम धक्के मार के बाहर काटेंगे, तेरी बेइज्जती तो है और फिर तू कि मुंह दिखाने जोगी भी ना रहा। आप टेंशन मत लो, धक्के मारने का टाइम नहीं आओगा, मैं आप घर तक चली जाऊंगी, मैंने मम्मी तक कह दिया अकी इस रिपोर्ट में कुछ नहीं आया ना, मैं आप पर चली जाऊंगी। हाँ या करी इतना कती समझदारी वाली बात, रिपोर्ट मिलते जो भी हो चुपचाप इस घर तक बाहर रो लिए, ठीक है ना, अपने बोरिया बिस्तर पैक कर ले। लेकिन मैंने उम्मीद है कि इस बार रिपोर्ट खाली ना होवे। अच्छा क्यों उम्मीद है तने, उम्मीद तो मैं भी लगाए बैठा हूँ, 7 साल हो गए, 7 साल, 7 साल कम ना होते, ठीक है ना, 7 साल तो तेरे टेस्ट करवाने लग रहे हैं, क्या आ गया उन रिपोर्टा में, 20-30 बे तेरी रिपोर्ट चेक करा ली, इतने रुपये फूक लिए डॉक्टर आके। बोली बे क्यों बोलती बंद होगी, ठीक है यो देख लें फिर मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, रिपोर्ट आते चपचप मरे करते बाहर हो लिए, बेराम ने जो आना तेरी रिपोर्ट में, जो आज तक पहले आया है वो ईब की बाना है, ईब की रिपोर्ट बदल का आ जाएगी कितने तय। ऐसे मत बोलो, मैं बहुत उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि ईद के ना रिपोर्ट बढ़िया होगी। उम्मीद तो हम भी लगा रहे हैं पर जो हम उम्मीद लगा वो होता था कौन है, ये बता, उम्मीद पैरा हुआ हमें।
ईब कहने मेरे भगवान जी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, ईब ने कुछ अच्छा ही होगा। देख लेंगे जो भी अच्छा होगा, और दो चार दिन सही, इतने साल जेल लिया है, दो चार दिन और जेल लेंगे, मेरा खेजा है। उसके बाद फिर तो तेरा मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। आप मेरे तो कह रहे हो, नू बताओ यो कमी अगर मना छोड़ के आप में ही होती फिर के करते आप? तेरा दिमाग खराब था ना हो रहा है, मेरे में ना कुछ भी कमी ठीक है, अरना मेरे पर इल्जाम लगाने की जरूरत है? कमी तेरे में है, अपनी भुगत है। कोई ना, अगर कमी मेरे में हुई ना मैं आप चली जाऊंगी। हाँ बढ़िया ही होगा, चुपचाप रिपोर्ट आते सरक जी जाड़ी तय कितना जा मारे लिखे हमने कोई मतलब नहीं है। भगवान प्लीज ईप कहना कुछ खाली ना आवे रिपोर्ट में। अरे कितके ठीक है तेरी भाभी के हाल चाल? हाँ बाढ़ था उसका होता ना। अरे भाई देख मैं तो तंग आ लिया उस तक, दो चार दिन की बात हो रहा है, एक टेस्ट करवा रखा उसका, रिपोर्ट आते उसने घर था बाहर काट दूंगा, उस तक तलाक लेके फिर करेगा तेरा भाई दूसरा भी आराम था। हाँ भाई इब कमी उसमें है यार, भुगते की वाह। हाँ ठीक है भाई, आपको आ रही है शर्म? भाभी है वो, उनकी ना आप इज्जत ना करोगे तो और कौन करेगा? माँ तो माँ, आप तो उनके हम सफर हो, आपको उनका साथ देना चाहिए। अगर आप साथ नहीं दोगे तो बेचारी भाभी का साथ कौन देगा? आप उनके दिल से भी सोच के देखो उन पे क्या बीतती होगी। माँ 7 साल से उन्हें सुनाती जा रही है, भाभी बेचारी माड़ी और होगी रो रो के। अरे फिर इसका भी हमने ठीक कहा के वह माड़ी हो चाहे मोटी हो, हमने इस बात तक कोई मतलब ना है, और माँ से ही सुना लग रही है। अरे विशाखा तू छोटी है, छोटी बनकर है, गणा ज्ञान देने की जरूरत ना तने। भाई जो सही है ना मैं सिर्फ सही के खिलाफ बोल रही हूँ, आप बहुत गलत हो, आप और माँ अपनी जगह। कल को अगर मेरी शादी हो गई और मैं ऐसे निकल गई, मेरे ससुराल वालों ने ऐसे निकाल दिया तो के बीतेगी? चुप है, इस बारे में बात करने की जरूरत ना है, ठीक है ना? इब कमी उसमें है वह भुगतेगी, तू क्यों सोचने लग रही है उसके बारे में? तुमसे तो ना कुछ बोलना ही बेकार है। ठीक है। ए भगवान पता ना मेरे भैया और माँ में कब अकल आएगी। हाँ रिपोर्ट आओगी, अब बताना क्या होगा रिपोर्ट में, डर लग रहा है मैं तो, बेरा नहीं। ठीक है मैं बाद में करूँगी। ठीक है ना बतला ले ही बैठे है, और बता दे अपनी फ्रेंड थे सारी बता दे मारे घर की। चिल्ला की रहे, रिद्धि का कॉल था, पूछे थी रिपोर्ट में क्या आया, मैंने कहा अभी रिपोर्ट में टाइम है। हाँ फिर सब कुछ बता देती, फिर पूरी बताया कर रहे, कमी तेरे में है। अरे रिपोर्ट में आना के है सब ने बेरा, रिपोर्ट में तो के आना है, आज तक पहला जो रिपोर्ट में आया ना वो आओगा इबी भी। और देख क्यों कर बैठी हमारा नहीं, खुले बाल गेर के गल में चुन्नी। अरे तेरे इज्जत है कि ना है, घर की बहू है तू, छोरी ना है अड़े की ना, इब क्यों डका है तेरे बाल खुलवाऊ मैं, तेरे बाल खुलवा चल तेरे मैं पिटूंगा मित्र, बाल छोड़ो के करा उड़ा बाहर बैठ के गल में चुन्नी गेर के ई डाल बैठी है महाराणी, किस तरह दिखाऊ थी है? अरे मारे घर की इज्जत है ना, इज्जत तार तार करनी है के इब्रो का के करे है इन तस्वीर बाण तक कुछ ना होना, ठीक है ना? फिर अब मार क्यों रहे हो, हाथ क्यों उठा रहे हो? अरे ना और तेरी आरती तारू जब तू के काम की नात है, छो उठे छो, ब्याह करके ला रहा हूं तने, ठीक है ना? फिर ब्याह तो मेरा भी हो रहा है, पर तुझे पाल लड़ाऊंगी मैं नु कहूं चुप हो जा तू, मेरी गलती थोड़ी आपकी माँ भी आप भी चुप कती चुप है सारी आड़ पीछे लगे रहो सबके सब, बस दो चार दिन और जेल लूंगा तने मैं, एक बार रिपोर्ट आ लंदे बस रिपोर्ट ते ही बाट देखूं हूं, फिर तने हितरिया कर था धक्के मार के काटूंगा। अपनी गोश तक होना दिया करता मैं, वो मेरे पापा खाते देंगे पहले ही तरह दे चुके वो, मन ना बेरा तेरा बाप कितना देगा कितना ना समझ में आ गई, चुपचाप अपने बाप तक है 5 लाख रुपए भेजेगा, शांति बने रपिया चाहिए वैसे।
मन्ना नहीं बेरा तू कितना करेगी कितना ना करेगी। अंकिता अपने बेर है मेरे पापा के इतने ब्योत नहीं है फिर भी मेरे पापा करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं पेट ही नहीं भरता थारा। मन्ना मतलब नहीं है चाहे तेरे बाप का ब्योत हो चाहे ना हो चाहे उन्हें अपना घर बेचना पड़ो चाहे जमीन बेचनी पड़ो मन्ना रुपया चाहिए तो चाहिए रहोगे कित फिर वे रुपया मंगा अपने बाप का कहेगा मन्ना नहीं बेरा कितना वो देगा कितना ना मन्ना इस चीज का ठिकाना है तेरी जबान मैं लड़वाऊंगा ही वे रिंटा सुहा ना पूछ का चुपचाप घर का काम कर ले और किसी तब बताई ना धुआं खींच के क्या बात है जब देखा टसुए बात तीरो वह है तेरी आँखें में शर्म है कि नहीं है हैं मन ने तू समझाली छोरे ने तू समझाली तेरी समझ में बात आओगी ना आओगी हैं तू अपने बाप द्वारा फोन क्यों ना करती हैं कैसा हो तू छोड़ देगी हमारा पीछा ना छोड़ देगी रोन का काम ना चल रहा है कत्ते ही रोगी नु कत्ते ही रोगी हैं चुप हो ठीक है जब तेरी रिपोर्ट सही नहीं आई ना तेरा काटूंगी गेर का बहुत समझाली तेरी समझ में बात नहीं आनी नहीं बस मां उठो भाभी हाँ बहुत मेरा होता ना था इसकी बहुत देर हो गई और बहुत दिन हो गए तुम्हारी बर्दाश्त करते करते अरे थोड़ी तो अकल सीख लो बुढ़ापा यूं ही आ गया मैं पर अकल थोड़ी सी भी ना आई छोरी तू छोरी है इसकी इतनी चमचागिरी मत कर है अपने घर का तो देख ले जब मारा घर है ना बस हैगा अरे इस तो मारा वंश से नीचा लगा था फायदा क्या है इसका आप तो हो रहा कति पागल और आज ढंग से समझाऊंगी तुम दोनों ने भैया को भी बुलाओ और आपसे भी बात करनी है कुछ चलो रिपोर्ट आई है भाभी की बेरा है जो आया होगा रिपोर्ट में आप चलो उधर इसने कह दे मेरे आगे इसके टसवे नहीं देखने चाहिए ना जान तो मार दूंगी इसने रोना है दोना ना पूरा उत्ते का भाभी आप पहले तो चुप हो जाओ आज फैसला हो ही जाएगा चलो आप पीड़े मुंह की नाग मेरा ना कितना कर माँ का बढ़ेगी भैया आप भी आ जाओ एक बार क्या बात होगी आ जा सुन ले भाई तू भी सुन ले मेरा ना छोरी के सुनाओगी हाँ सुना गेरी रिपोर्ट और आप दोनों ने जो टेस्ट करवाए थे ना उस चीज की रिपोर्ट है ये और कमी भाभी में नहीं आप में है दिमाग खराब करने की तो जरूरत ना है हमने बेरा रिपोर्ट में क्या आना है इसमें कमी है पढ़े लिखे तो आप भी होंगे पढ़ लो रिपोर्ट आपकी बहन होके मैं झूठ बोलूंगी और मैं तो कहूँ भगवान की कृपा से बिल्कुल सही हुआ कि भैया में कमी निकली 7 साल हो गए बेचारी मार दी तुमने यो और इसमें कमी निकल जाती ना तुम तो जीने भी ना देते इसे नुकर बेटा तू मेरे सिर पर दर का बोल अब कमी तेरे भाई में है माँ इसमें कसम खाने की क्या बात है भाई पढ़ के ही सुना देंगे झूठी है रिपोर्ट मेरे में कमी थोड़ी है झूठी क्यों होती हो डॉक्टर तो फोन मिला लो फिर से टेस्ट करवा लो हाँ फिर तो करवा लेंगे टेस्ट जब मैं कहने लग रहा कमी तो इसमें है अब क्यों मानोगे छोरे की बात आते ही छोरे क्यों मानना है कि हाँ भाई छोरों में भी कमी हो सके अरे माँ झूठी है रिपोर्ट है इसने बनवा दी होगी रुपया देकर किए थे अब तो शर्म कर लो डर लो भगवान से मैं भी छोरी हूँ अब मेरा ब्याह हो गया ना ए भगवान मुझे ऐसा घर ना मिल जाइयो बस जैसे इस घर में चल रहा है बेटा माँ कल ने मेरा ब्याह होगा अब मेरी गैल ऐसा हो गया भगवान ना करे अब मेरे ही लोग ने मैं घर तक बाहर काट दी तो कैसा लगेगा तुमने समझ में आ गई बेटा सारी बात जब अपने पे बीता है जब बस सब कुछ समझ में आया है और बिरानी जाई काम के क्या अत्याचार कर रहे थे और कमी आज हमारे खुद के में लकड़ आई हे भगवान मैं तो बड़ी पापी बन गई थी मन कदे बेटी की तरिया मानी है ना बेटा
और मैं इसने घर छोड़ने की बात करूं थी। छाती में पत्थर सा दरिया गया। बहु ने तो मैं छोड़ दू है, ये बेटे ने की छोड़ दू बेटा। देखा इसने कया करे, आड़े करनी राड़े भरनी। माफ कर दे बेटा, माफी मांगने के लायक तम से कौन है जो जो हमने तेरे पर अत्याचार करे। नाना माँ जी, आप बड़े हो, आप क्यों माफी मांग रहे हो? हाँ त्रिशा, मम्मी भी माफ कर दे, जाने अनजाने में मेरे पे बहुत सारी गलती हो रही है। मैंने तब पे हाथ तो ही गठा दिया, या बात तक कदम ने सोची है ना, अब कमी तेरी जगह मेरे में भी हो सका है। ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरमाज तू फिकर मत करिए, तू नू मन्ना सोचिए कि कमीन मैं तो, मैं जब भी घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं इस घर में बैक आई थी, मैं कती ना जाऊं, इस घर से मेरी अर्थी जागी। वारे मेरी बेटी, इसी बहुत किस्मत आया ना मिला है, हम तो तेरे में बेटी का रूप देख ना पाए बेटी, तेरी तो पहचाना ना कर पाया। अरे यह बात मैं घर की चार दीवारी के भीतर ही रखूंगी, किसी तरह बताऊ। ठीक है बेटा, दुनिया वाला गोद ले है, हम भी ले लेंगे, बस बहू संस्कारी चाहिए हमने। हमारी बहू इतनी बढ़िया रही और हमने क्या चाहिए बेटा। बस बेटा चुप हो जा, मैं भी काम देख लूं। विशा का ना खोल दी बेटा, ना तो देख हम कितनी बड़ी बड़ी गलती करे थे लाडो। बस चुप हो जा, बस कोई ना माँ, आप बैठो, मत जाओ।